नमस्कार, मैं हूं टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। कोटा कांग्रेस के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट को कोटा यूआईटी ने 1500 करोड़ की लागत से तैयार किया है, जिसके बाद उसे अब विवादों का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोन भोपाल की टीम आज हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट पहुंची। एनजीटी के निर्देश पर गठित 4 सदस्यों की टीम आज 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंची है और उन्होंने रिवर फ्रंट का निरीक्षण किया। दरअसल शहर की चंबल नदी किनारे 1482 करोड़ रुपए से नवनिर्मित हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट को घड़ियाल अभयारण्य में बनाने के मामले में अजमेर निवासी अशोक मलिक और द्रुपद मलिक ने नगर विकास न्यास कोटा समेत अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण सेंट्रल जोन भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद न्यायालय ने 10 अक्टूबर 2023 को कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन को मामले की जांच करने के आदेश दिए थे। साथ ही याचिकाकर्ता का यह भी आरोप था कि रिवर फ्रंट का कंस्ट्रक्शन होने के साथ ही नदी के किनारों पर कमर्शियल एक्टिविटी की गई है, जो पूरी तरह से अवैध है और इसके लिए कोटा यूआईटी द्वारा कोई परमिशन नहीं ली गई और ना ही पर्यावरण स्वीकृति हासिल की गई थी। एनजीटी द्वारा गठित की गई 4 सदस्यों की टीम आज सुबह ही कोटा पहुंची थी। टीम सबसे पहले जिला कलेक्टर पहुंची और जिला कलेक्टर से मुलाकात के बाद टीम कुन्हाड़ी स्थित रिवर फ्रंट के वेस्ट बैंक पहुंची। वहां से यूआईटी के सेक्रेटरी और इंजीनियर्स के साथ चर्चा करने के बाद टीम ने रिवर फ्रंट का अवलोकन किया। 2 दिनों के अवलोकन के बाद टीम निरीक्षण रिपोर्ट एनजीटी में पेश करेगी, जिसके बाद केस के आगे की दिशा तय होगी। इस मामले में जयपुर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर, जय विविधा बोर्ड के मेंबर, कोटा एडीएम सिटी और एरिगेशन विभाग के एसी शामिल हुए। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने भी पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया था कि रिवर फ्रंट पर किया गया निर्माण कार्य पूरी तरह से गैरकानूनी है। अब सबकी निगाह एनजीटी द्वारा गठित की गई टीम की निरीक्षण रिपोर्ट पर टिकी हुई है। तो आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।